नमस्कार साथियों, आज की जो वीडियो है केवल छात्र छात्राओं और जो स्कूल बस चलाते हैं उन व्यक्तियों के लिए हैं। सबसे पहले जानकारी आपको बता दें कि आप सभी को ध्यान होगा कि कुछ अफवाह चल रही थी कुछ दिनों पहले कि प्रदेश सरकार द्वारा 24 दिनों की जो छुट्टियां रहेगी वो जारी रहेगी, लेकिन ऐसा कोई मतलब सूचना नहीं आई है, ऐसा कोई पत्र नहीं आया है। वही शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करके बताया है कि मतलब जो छुट्टियाँ रहेगी, आप सभी को पता है कि नवरात्रि की छुट्टियाँ हैं, नवरात्रि की जो छुट्टियां रहती हैं वो दशहरा से लेके जो 3-4 दिन की छुट्टियां रहती हैं उसके लिए मैं आपको तारीख भी बताना चाहूँगा। जो दशहरा का अवकाश रहेगा वो 7 से 10 अक्टूबर तक रहेगा, 7 से 10 अक्टूबर तक आपका अवकाश रहेगा। उसके बाद से पुनः स्कूल लगेंगे। और आपको बता दें कि दीपावली इस बार जो है 25 अक्टूबर को आ रही है, तो आपका जो स्कूल है 7 से 10 तक बंद रहेगा, उसके बाद पुनः चालू हो जाएगा। उसके बाद जो तारीख है वो 25 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक जो अवकाश रहेगा। इस प्रकार कुल मिलाकर आपका जो छुट्टियों का जो रहेगा वो 10 दिन की छुट्टियां टोटल रहेगी। जानकर आपको बता दें कि स्कूलों को आदेश जारी हुए हैं। वही शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने हवाला देते हुए यह बात कही है कि जो छुट्टियां रहेगी शिक्षा विभाग ने स्पष्ट रूप से जारी कर दिया आदेश कि 7 से 10 अक्टूबर तक स्कूल का अवकाश रहेगा, वही 25 से लेकर 30 अक्टूबर तक अवकाश रहेगा। जानकारी आपको बता दें कि इस बार जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और 13 और 20 अक्टूबर को रविवार की छुट्टी रहेगी। इस प्रकार कुल 3 दिनों की वो अन्य छुट्टियां हो जाएगी। और जो भी आपको नई अपडेट हमको मिलेगी वो समय समय पर छात्र छात्राओं के हित में इस यूट्यूब चैनल पर आपको बताई दी जाएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आगे वीडियो शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी, अन्य छात्र छात्राओं को भी ये जानकारी पता चले। केवल आपको बता दी कि 7 से 10 अक्टूबर तक छुट्टियां रहेगी, वही शॉर्टकट में 25 से 30 अक्टूबर तक छुट्टियां रहेगी। और 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती है, महात्मा गांधी जयंती मनाई जाएगी बहुत ही धूमधाम से, वही जो रविवार है वो छुट्टियां रहेगी। इस प्रकार कुल 10 दिनों की छुट्टियां इस बार रहेगी। धन्यवाद।